तो बात को आगे बढ़ाते हैं। बात जो चल रही थी वो लेजिटिमेसी पर बात चल रही थी, लेजिटिमेसी पर बात चल रही थी कि धर्मनिष्ठता क्या है। तो धर्मनिष्ठता क्या है, इसको लेकर जो बात चल रही थी, तो धर्मनिष्ठता जो होती है, एक पुरुष और एक स्त्री के बीच में जो वैलिड मैरिज होती है, और उस वैलिड मैरिज के परिणाम स्वरूप अगर कोई पुत्र या पुत्री का जन्म होता है, तो इनके रिलेशन को धर्मस्था कहा जाता है। किसके रिलेशन को? उस पुत्र पुत्री और उस पुरुष के बीच का जो लीगल रिलेशन है वो क्या कहलाता है? धर्मस्था कहलाती है। उनके वो उसके धर्मज पुत्र या पुत्री कहलाते हैं। धर्मज पुत्र या पुत्री क्यों कहलाते हैं? क्योंकि जो वो एक ऐसे विवाह से उत्पन्न हुए हैं जो एक वैलिड मैरिज है। तो इस पर जो केस था हबीबुर रहमान चौधरी नाम अल्ताफ अली चौधरी वो हो गया था। एक दूसरा केस है, वो केस है गौतम कुंडू नाम पश्चिम बंगाल राज्य। गौतम कुंडू ना पश्चिम बंगाल राज्य। इस बात में क्या फैक्ट क्या थे? याचिकाकर्ता ने एक बच्चे के पितृत्व को चुनौती दी और न्यायालय से यह प्रार्थना की कि वह बच्चे की खूनी जांच करके यह पता करे कि उसका असली पिता कौन है, और उसके द्वारा उसके अनुसार जब तक यह सिद्ध नहीं हो जाता है वह बच्चे के भरण पोषण देने के लिए उत्तरदायी नहीं है। इसमें याचिकाकर्ता ने एक याचिका डाली न्यायालय में और ये कहा कि एक व्यक्ति जो मुझसे भरण पोषण मेंटेनेंस की मांग कर रहा है, पहले ये तो पता चले कि वो मेरा ही पुत्र है या नहीं है। तो इस व्यक्ति ने, जो पिटिशनर था, इसने न्यायालय से कहा, पिटिशनर ने न्यायालय से कहा कि आप इस व्यक्ति की जो मेरा पुत्र होने का दावा करता है आप इसकी एक खूनी जांच कराइए, आप इसका डीएनए टेस्ट कराइए, और अगर उससे ये निकल के आता है कि ये मेरा ही पुत्र है तब तो इसको हम मेंटेनेंस देंगे, अदरवाइज हम इसका मेंटेनेंस करने के लिए लायबल नहीं है, बाउंड नहीं है। ये बात उसने कही। तो न्यायालय ने इसमें ये कहा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इंडियन एविडेंस एक्ट में पितृत्व को स्थापित करने के लिए, लेजिटिमेसी को स्थापित करने के लिए पर्याप्त तरीके बताए गए हैं। ये बात उसने कही। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत पितृत्व को स्थापित करने के लिए बहुत से तरीके बताए गए हैं, आप उन्हीं तरीकों के अनुसार जो है पितृत्व स्थापित होगा। और ये कहते हुए उस न्यायालय ने उस पिटीशनर की जो याचिका थी, पिटीशन थी, उसको रिजेक्ट कर दिया। और रिजेक्ट जब कर दिया तो फिर वो अपनी अपील लेकर के गया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में गया तो हाई कोर्ट ने क्या कहा? बीच में यह निश्चित है कि पितृत्व का चिकित्सीय परीक्षण निश्चायक नहीं हो सकता। देखिएगा, जो जब पिटीशनर अपील संसद की हाई कोर्ट में, पिटिशनर ने अपील को संसद किया हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट कहता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है धर्मस्था के मामले में, लेजिटिमेसी के मामले में मुस्लिम विधि पर अविभावी होता है, ओवररूल करता है, मुस्लिम विधि पर लागू होता है। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इंडियन एविडेंस एक्ट की जो धारा है, सेक्शन है 112, 112, वो ये कहती है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 112, 112, वो ये कहती है कि अगर एक व्यक्ति और उसकी पत्नी, जो उनके बीच संबंध है वो लीगल मैरिज का संबंध होना चाहिए, एक वैध विवाह होना चाहिए उन दोनों के बीच में, अगर वैध विवाह के दौरान कोई बच्चा उत्पन्न होता है तो फिर वो उस पुरुष का लीगल चाइल्ड होगा जाकर,
भारतीय शास्त्र सिद्धनी में कहता है कि एक पुरुष और उसकी एक स्त्री के बीच में लीगल मैरिज के दौरान में अगर कोई भी बच्चा उत्पन्न होता है तो वो उसका पिता कहलाएगा, वो उसका लीगल चाइल्ड कहलाएगा। और अगर वो ये कहता है कि मेरा लीगल चाइल्ड नहीं है तो उसको उन सर्कमस्टांसेस को प्रूव करना होगा कि कुछ ऐसी परिस्थितियां थी, कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस थी कि उस दौरान उसका उसकी पत्नी के बीच में एक संबंध स्थापित नहीं हो सकता था, उसी दौरान ये बच्चा जो है जन्म लिया, तो फिर उसको ये साबित करना होगा। अगर वो ये साबित नहीं कर पाता है तो फिर न्यायालय कहता है कि हम यही मान के चलेंगे, हम यही प्रिजम्पशन करेंगे कि विवाह के बाद अगर बच्चा उत्पन्न हुआ है या फिर विवाह विच्छेद हो गया था, तलाक हो गया था, तो ऐसी अवस्था में 280 दिन 280 डे के बीच में अंदर बच्चा जन्म लेता है तो फिर वो उसी पुरुष का बच्चा होगा जाकर के। और इसी हाईकोर्ट के निर्णय को कंफर्म कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो इसका सीधा सीधा अर्थ ये निकलता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट जो सेक्शन है 112 ये मुस्लिम विध पर इस संबंध में लागू होता है। और 112 जो सेक्शन है वो ये कहता है कि अगर विवाह के कायम रहते हुए, ध्यान रखना जो इंडियन एविडेंस एक्ट है उसका 112 सेक्शन है वो ये कहता है कि अगर वैलिड मैरिज हुई है पुरुष और किसी स्त्री के बीच में उस वैलिड मैरिज के दौरान ही या फिर उस वैलिड मैरिज को अगर तलाक हो जाता है, डाइवोर्स हो जाता है, तो फिर 280 दिन के भीतर बच्चा जन्म लेता है तो फिर वो उसी पुरुष का लीगल चाइल्ड होगा। 112 जो सेक्शन है वो ये बात कहती है जो मुस्लिम विध पर लागू होती है। अब देखिएगा धर्मयुक्त संबंधी मुस्लिम विध के विशेष नियम, लेजिटिमेसी से संबंधित मुस्लिम लॉ के कुछ स्पेशल रूल है। लेजिटिमेसी से संबंधित मुस्लिम लॉ के कुछ स्पेशल रूल है वो क्या है? तो देखिए वो ये है कि पहला नियम तो ये है कि विवाह के बाद आफ्टर मैरिज बिफोर 6 मंथ आफ्टर मैरिज और बिफोर 6 मंथ अगर किसी बच्चे का चाइल्ड का जन्म होता है तो फिर ये जो विशेष नियम है वो कहते हैं कि वो उस पुरुष का बच्चा नहीं माना जाएगा। पहला नियम है कि आफ्टर मैरिज बिफोर 6 मंथ विवाह होने के बाद 6 महीने बीतने से पहले, विवाह होने के बाद और विवाह के 6 महीने बीतने से पहले अगर कोई बच्चा जन्म ले जाता है तो फिर वो उसका लीगल चाइल्ड नहीं कहा जाएगा। परंतु विवाह होने के बाद और 6 महीने विवाह हो गया और विवाह का समय जो है 6 महीने बीत गया, 6 महीने के बाद में अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो फिर वो उसका लीगल चाइल्ड कहलाएगा। दूसरा है, परंतु यहां पर जो वो बातें हैं वो लागू होंगी सब, वो कौन सी बातें लागू होंगी कि मैरिज जो है वो वैलिड होनी चाहिए, वैलिड मैरिज है और ऐसी अवस्था में बिफोर 6 मंथ बच्चा जन्म लेता है तो फिर वो उसका चाइल्ड नहीं होगा और आफ्टर 6 मंथ जन्म लेता है तो उसका वो चाइल्ड होगा। दूसरी बात है
कि अगर विवाह एक वैलिड मैरिज हुआ था और मैरिज होने के बाद में डाइवोर्स हो जाता है, विवाह विच्छेद हो जाता है उनके बीच में, तो सियाविद यहाँ पर ये कहती है कि विवाह विच्छेद हो गया है तो विवाह विच्छेद बाद अगर कोई चाइल्ड जन्म लेता है, किसी चाइल्ड का जन्म होता है, तो वो जन्म अगर 10 माह के अंदर हुआ, 10 मंथ के अंदर उसका जन्म हुआ है, तो फिर वो उसका लीगल फादर कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। परंतु सुन्नी विधि में और हनफी विधि क्या कहती है, हनफी विधि ये कहती है इस संबंध में कि अगर 2 चंद्र वर्षों, 2 वर्ष के भीतर डाइवर्स हो गया, एक पुरुष स्त्री का डाइवर्स हो गया, विवाह विच्छेद हो गया है हनफी विधि में, और 2 वर्ष के भीतर जन्म लेता है कोई चाइल्ड, तो फिर वो उसका पिता कहलाएगा। यहीं पर मलकी विधि ये कहती है कि नहीं, 4 वर्ष के भीतर भी अगर जन्म हो जाता है तो भी वो उसका पिता कहलाएगा। इन सब के होते हुए भी, इन स्पेशल रूल के होते हुए भी, ये बात ध्यान रखने वाली विशेष बात है कि इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 112 धर्मस्था के संबंध में, लेजिटिमेसी के संबंध में मुस्लिम विधि पर लागू होती है अगर मैरिज जो है एक वैलिड मैरिज है। तो आपका जो चैप्टर है पेरेंटेज एंड लेजिटिमेसी, जन्मता धर्मस्था, यहीं पर कंप्लीट होता है। इस संबंध में अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा पॉइंट था जो समझ में नहीं आया है, तो आप मुझसे वो पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं या फोन करके मुझसे आप पूछ सकते हैं। तो ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है आपका।